गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम महेंद्र सिंह चौहान, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्री ऑफ श्रीकर्णी अकेडमी एंड एजुटेक। जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स को बहुत लंबे समय से इंतजार था, अक्सर 11th की क्लास नहीं हो रही है, 11th का टॉपिक, तो आप जब तक कुछ जो टॉपिक है, आप कुछ आपका जो क्यूरिकुलम जो हो गया एनसीईआरटी वाला, आप आपका चेंज है, तो हमारे कुछ 12th के वीडियोज आप देखिए, तो उसमें तैयारी आप कर सकते हैं साथ साथ। हालांकि अब आज जो टॉपिक करने वाले हैं फुल स्टार्ट, हम जो हमारे जो लास्ट टॉपिक हमने एंड किया था सेल वाला, तो सेल वाला वही सेल बायोलॉजी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सेल के बारे में हमने सब कुछ जान लिया था, आज हम बात करने वाले हैं कि अब एक सेल से दो सेल कैसे बनती है। तो इस एक सेल से दो सेल के बारे में बनने का कंसेप्ट जो था वो किसका दिया गया था, वो आपसे मैं जानना चाहूँगा। वो दिया गया था रुडोल्फ विर्चो के द्वारा। उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था कि हाउ द सेल न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एक्सिस्टिंग वन। ये सिर्फ उनका कंसेप्ट था जिसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था लुईस पाश्चर ने। अब ये तो बात उन्होंने कही, अब हम बात करते हैं एक सेल से दो सेल बनते हैं किस वे में बनते हैं। उस पूरे मैकेनिज्म को कहा जाता है सेल का एक साइकिल होता है, जिस वे से एक सेल से दो सेल बनते हैं, और एक सेल से दो सेल बनने के प्रोसेस को सेल डिवीजन कहा जाता है। तो ये डिवीजन पूरा एक साइक्लिक रिदमिक वे में होता है, तो उसी के बारे में आज चर्चा करते हैं। आज हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो सेल बायोलॉजी में हमने पूरा चैप्टर अपने पढ़ लिया था, सेल के बारे में सब कुछ जान लिया था कि सेल ऑर्गेनल्स क्या है। अब नेक्स्ट चीज हम जानना चाह रहे हैं कि ये सेल का जो साइकिल है इसकी कौन कौन सी फेज होती है, और सेल का जो डिवीजन हो रहा है डिवीजन की कौन कौन सी फेजेस हैं, कि एक सेल से ये दो सेल जो बन रहे हैं ये पूरा एक रिदमिक वे में होता है, ठीक है, जिसको डिवाइड किया गया है यहाँ पे, ये देखिए G1 S एंड G2। फिर उसके बाद एक जो फेज आता है उसको कहा जाता है M फेज। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जो M फेज है यहाँ पे अगर सेल जो है माइटोसिस कर रहा है तो ये माइटोटिक हो जाएगा, माइटोटिक फेज, और अगर सेल जर्म सेल की बात करें तो मियोसिस करेगा तो उसका समय हो जाएगा मियोटिक फेज। बाकी डिवीजन फेजेस रहेगी। तो पहले ये माना जाता था कि G1 S G का स्टैंड फॉर गैप फेज। G यहाँ पे बात करें तो G का मतलब होता है गैप फेज, गैप फेज। S का मतलब होता है सिंथेटिक फेज, सिंथेटिक और सिंथेसिस फेज। अगेन G यहां गैप वन हो जाएगा और G2 के लिए गैप टू हो जाएगा, और M के लिए मैंने बता ही दिया, M के लिए माइटोटिक और मियोटिक, माइटोटिक फेज या मियोटिक फेज, ये डिपेंड कर रहा है सेल कहाँ पर है, किस तरह से डिवाइड हो रही है, कौन सी सोमेटिक सेल है या जर्म सेल है। सोमेटिक सेल है तो ऑब्वियसली माइटोटिक डिवीजन होगा, लेकिन अगर सेल जर्म सेल है तो मियोटिक डिवीजन होगा। ये चीज का थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, ये हालांकि हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे इन सारी चीजों के लिए। तो यहाँ गैप फेज, गैप वन, गैप टू और एस फेज, यहां से लेकर हम बात करें, ये जो पूरा सर्कल है यहां से G1 से स्टार्ट करके S, G2 फेज और G3 फेज आती है, बीच में उसको स्टेशनरी फेज कहा जाता है। यहां तक की जो फेजेज होती है ये पूरा पोर्शन कहलाता है इंटरफेज। पीछे ये वाला जो फेज है वो M फेज कहलाता है, और M को मैं ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर सकता हूं, मतलब हम ये कह सकते हैं G1 S एंड G2 आर द पार्ट ऑफ इंटरफेज, और इंटरफेज या फिर यू कह सके इंटरफेज इज द कैन बी फर्दर डिवाइडेड इंटू गैप वन एस एंड G2 फेज। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स का
निर्माण होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन साइटोस्केलेटन, अगर बात करेंगे उन प्रोटीन्स का निर्माण होता है, उनका डेवलपमेंट होता है। एस फेज में क्या होता है, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका क्वेश्चन हर एक बार आपके पूछा जाता है। फिर यहाँ पे अगेन प्रोटीन सिंथेसिस होता है, डबल चेक फॉर द एरर्स, ये ओवरऑल सेल का एक साइकिल होता है, ये सारा इवेंट जो होता है एक साइक्लिक फेज में होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सेल साइकिल। अब यहाँ और क्या चीजें हैं, पहले ये माना जाता था कि जो सारे इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वो होते हैं एम फेज में, पहले ये माना जाता था जब माइक्रोस्कोप में देखा गया था कि माइक्रोस्कोप में देखा गया तो माइक्रोस्कोप में जो सारी चीजें दिख रही है, माइक्रोस्कोप में इंटरफेस की कोई भी चीज नहीं दिख रही है, सिर्फ क्रोमोसोम दिख रहे हैं, क्रोमोसोम किस तरह से अरेंज हो रहे हैं, किस तरह से सेग्रीगेट हो रहे हैं, तो इन सारी चीजों के लिए बात करें तो ये सारी चीजें कहाँ दिख रही थी, सिर्फ एम फेज में दिख रही थी, जबकि यहां हम बात करें तो इंटरफेस में ऐसी कोई चीज नहीं दिख रही थी। तो इंटरफेस को पहले जब माइक्रोस्कोप में देखा गया तो इसको कहा गया इंटरफेस इज द इनर्ट फेज, कैसी फेज है, इनर्ट या इनएक्टिव फेज है, और सारे इंपॉर्टेंट इवेंट जो होते हैं ये एम फेज में होते हैं। लेकिन लेटर ऑन पता पड़ा कि इंटरफेज इज अ नॉट एन इनर्ट फेज, सेल साइकिल के बात करेंगे तो सारे इंपॉर्टेंट इवेंट जो हैं, ऑल इंपॉर्टेंट इवेंट्स अकर्स इन इंटरफेज, इन दिस फेज ऑफ सेल साइकिल, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन ये हमने बात की, और ट्रांसक्रिप्शन, डोंट वरी ये सारे टर्म्स आपके लिए नए होंगे थोड़ा, लेकिन बड़े फैमिलियर हो जाएंगे हम पढ़ते पढ़ते, ट्रांसलेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, एक डीएनए से दो डीएनए का बनना उसको कहा जाता है डीएनए रेप्लिकेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है, और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन है। तो ये बहुत ही मॉलिक्यूलर लेवल पे देखी जाए तो ये मॉलिक्यूलर इवेंट्स कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूलर इवेंट्स, और ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे इवेंट कहाँ होते हैं, ये सारे के सारे इवेंट होते हैं इंटरफेज में, इन्हीं फेजेस में। देखो यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, फिर ट्यूबुलिन प्रोटीन भी बनेगा, और ये सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी। तो ये मॉलिक्यूलर इवेंट जो होते हैं सारे के सारे ये इंटरफेज में होते हैं, इसलिए आप कह सकते हैं इंटरफेज इनर्ट फेज नहीं है, और सेल अपना 90% तक टाइम जो है वो कहाँ देती है, वो इसी इंटरफेज में स्पेंड करती है, रिमेनिंग 10% टाइम जो होता है वो स्पेंड होता है इस एम फेज में। अब बात करें कुछ और चीज़ की, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंट्रो में और चीज़ बताना चाहूँगा, सिंथेटिक या इसको सिंथेसिस भी कह सकते हैं, और किसका सिंथेसिस हो रहा है, डीएनए का, एक डीएनए से दो डीएनए बन जाएगा। अब ये चीज इवेंट जो हो रहा है, अब सेल का डिवीजन जो हो रहा है वो कितनी देर में हो रहा है, किसी किसी में बात करेंगे ये प्लांट टू प्लांट, सेल टू सेल, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है कि एक सेल कितने टाइम में डिवाइड होगी। जैसे हम बात करेंगे कि ह्यूमन नर्व सेल है वो रेस्टिंग फेज में रहती है, ठीक है, और जो काफ़ी सेल्स होती है वो रेगुलर डिवाइड करती है, कोई सेल होती है मसल सेल, जैसे बात करें ह्यूमन मसल सेल, ह्यूमन मसल्स ह्यूमन मसल सेल बात करें तो वो अराउंड 20 से 24 आवर्स में डिवाइड करती है, ठीक है। इसके अलावा लंग्स की बात करें तो जो हमारी लंग सेल्स है उसका जो डिवीजन होता है
वो लगता है करीब उसको 1 ईयर। ये देख लो डिफ्रेंशिएट, दोनों ही हमारे बॉडी में, मसल सेल्स भी हमारी बॉडी में, लंग सेल भी हमारे बॉडी में। ह्यूमन मसल सेल्स को कितना टाइम लग रहा है, वो 20 से 24 घंटे में 20 to 24 hours में डिवाइड हो रही है, 1 से 2 बन रही है। जबकि लंग सेल्स की बात करें तो वो लगभग 1 साल में 1 से 2 सेल बन रही है। और कोरोना का वायरस भी कहाँ अटैक कर रहा है, लंग्स पे अटैक कर रहा है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक कर रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अटैक कर रहा है। तो रेस्पिरेशन, ओवरऑल रेस्पिरेशन की लास्ट यूनिट क्या होती है, एल्वियोलाई, जहाँ पर जाके गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो एल्वियोलाई किसका पार्ट है, लंग्स में आता है, ठीक है। तो ओवरऑल लंग्स को डैमेज कर रहा है, जिसपे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है पूरा पूरा गड़बड़ा जाता है। अब 1 साल बनने में आप देखो 1 साल लग रहा है, 1 से 2 साल, तो सोचो वो तो बहुत फास्ट अटैक कर रहा है। नेक्स्ट बात करें, सॉरी प्रीवियस वन, दिस लाइफ में हम बात कर रहे हैं, मैं इसी चीज़ को आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी तो ये सारी चीज़ है, ईस्ट में होता है नॉर्मली, अगर ईस्ट की बात करें हम, ईस्ट बहुत काम में लेते होंगे घर पे, जैसे वो खमीर होता है या उसको हम कहें खमन वगैरह बनाते हैं, कोई भी चीज़ जो जिसमें फुलाव आता है वहाँ ईस्ट, बेकिंग के लिए केक बनाते हैं वहाँ पर भी आपको ईस्ट चाहिए होता है, तो ईस्ट का यूज़ होता है। ईस्ट की सेल का डिवीजन बात करें तो वो होता है अराउंड 20 से 30 hours में, कितने 20 to 30 hours में ईस्ट की सेल डिवाइड करती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये ओवरऑल सेल साइकिल का ओवरव्यू है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सेल जो है कम्प्लीटली 20 घंटे में डिवाइड होगी, 24 घंटे में, ये सेल टू सेल वेरी कर रहा है कि सेल कौन सी है, मसल की सेल है, लंग की सेल है, क्लियर। किसकी बात कर रहा हूँ, ह्यूमन की मसल की सेल है या किसी और ऑर्गेनिज्म के, हॉर्स की मसल की सेल है या कोई और ऑर्गेनिज्म है, वेरी करता है, ठीक है। किसी के लिए कॉन्स्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है। फिर भी अगर हम बात करें ये सारी चीज़ों को देखते हुए, तो सेल जो है सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है इन फेजेज में, जीवन में सबसे ज़्यादा टाइम, उसके बाद बात करें तो सेकेंड जो हमने बात की है, अगर एवरेज हम बात करें कि एक सेल जो है 2 सेल बनाती है कब, 24 hours में, कि अगर 24 घंटे में ऑन एन एवरेज बात करें अपन, 1 सेल से 2 सेल बन रहे हैं, ठीक है। तो उस दौरान सेल को सबसे ज़्यादा समय कहाँ लग रहा है, इन विच फेज सेल टेकिंग मैक्सिमम टाइम, तो हम बात करें जीवन में है सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, ग्रेटर देन का है, फिर G2 में, फिर बात करेंगे तो S फेज में, फिर बात करें तो M फेज में। तो हम ये आपको पूरा ऐसा याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसका ऑर्डर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको इंटरचेंज मिल सकता है, लेकिन इंटरचेंज मिलता है एस फेज, तो ये पूरा का पूरा एम भी आगे गड़बड़ होगा। अब जी टू और एस ये आगे पीछे हो सकते हैं, ये कब हो सकता है, सपोज किसी का डीएनए बहुत लेंथी है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा है, डीएनए की लेंथ ज्यादा है, तो क्या होगा वहां 1 से 2 डीएनए बनने में भी क्या होगा, बहुत समय लगेगा। तो क्या हो जाएगा, एस फेज में टाइम G2 से ज्यादा लग सकता है, तो ये दोनों क्या है, इंटरचेंज हो सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन कर दे द लेंथ ऑफ डीएनए इज द वेरी लार्ज, देन जीवन के बाद क्या लग जाएगा, सीधा एस आ सकता है, जीवन यहां हम थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। दूसरे केस में क्या होगा, जीवन उसके बाद एस आ सकता है, फिर G2 और M तो सबसे लास्ट में ही रहेगा, तो G1 स्टार्टिंग में रहेगा, M लास्ट में रहेगा, आपको बीच में इंटरचेंज मिल सकता है। जहां ये दोनों आगे पीछे हो जाए, G1 और M में अगर आगे पीछे हो जाए तो वो ऑप्शन आपका गलत होगा, उसको काट देना है सीधा। तो इंटरचेंज क्या है, एक्सेप्टेबल है, S और G2 आपस में एक्सेप्टेबल है। तो S फेज क्या है, DNA के रेप्लिकेशन से संबंधित फेज है, और जिसमें DNA का रेप्लिकेशन हो रहा है तो S फेज में ज्यादा टाइम लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि DNA की लेंथ ज्यादा है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ये जस्ट एन पूरा ओवरव्यू था। अब बात करें नेक्स्ट स्लाइड में, एक्चुअली मैंने ये स्लाइड छुड़वाई थी तो ठीक है। अब बात करें सेल साइकिल, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जस्ट उसको आप रीड आउट करते हैं, ठीक है।
फिर भी अगर कोई नया टर्म्स आता है तो मैं आपको बताता हूँ, कोई डाउट कोई क्वारी आपको नया लगे जो भी समझा है उससे रिलेटेड तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल डिवीजन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक सेल से दो सेल नहीं बना तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, चोट सभी को लगती है, घाव सभी के होते हैं, तो घाव किससे पड़ता है, इसी साइकिल से। वहां घाव जो होता है उस घाव में क्या होता है, धीरे धीरे देखो आपको अगर यहाँ चोट लगती है तो स्किन डैमेज होगी, नीचे घाव हो जाएगा, धीरे धीरे क्या होगी, नहीं यहाँ स्किन वापस से बन जाती है, वो किससे बन रही है, इसी सेल साइकिल से, इसी सेल डिवीजन से बन रही है। अगर सेल डिवाइड नहीं हुई तो घाव कभी भरेगा ही नहीं, और वो उस घाव की वजह से बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन और बढ़ेगा और घाव धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो उसका रीफिलिंग जरूरी है, और वो रीफिलिंग होती है सेल के जिस डिवीजन से, उस डिवीजन को कहा जाता है माइटोसिस। मैंने अभी बताई थी आपको एम फेज में दो होती है, तो माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। तो लेकिन वो जी1 है जी2 तो कॉमन रहेगा, इंटरफेज तो रहेगा सेल साइकिल में, एक इंटरफेज रहेगा और एक मियोसिस रहेगा, ठीक है। माइटोसिस या मियोसिस कुछ भी आ सकता है, लेकिन इंटरफेज कॉमन रहेगा। अब इंपॉर्टेंट है बताया सब जीवों के लिए, ये नहीं होगा तो हम बढ़ेंगे नहीं, हमारी ग्रोथ नहीं होती, हम छोटे बच्चे से हम हमारे मदर के फीटस में एम्ब्रियोनिक कंडीशन से लेके आज तक इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाते। छोटा जो एक सीड होता है, सीड से पूरा प्लांट बनता है, वो भी किस वजह, सेल साइकिल की वजह से। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन डीएनए रेप्लिकेशन सेल ग्रोथ टेक्स प्लेस, बताया मैंने आपको डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सेल की ग्रोथ होती है। मतलब कि अगर सेल है तो धीरे धीरे क्या होगा, सेल पहले थोड़ा बड़ा होगा फिर जाकर के ये टूटता है, ऐसा नहीं छोटा छोटा टूट, छोटा भी टूटता है लेकिन उस समय डिफरेंट केस में होगा। जब मैं आपको डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा, ग्रोथ फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा, उस समय बताऊंगा मैं आपको, इस समय छोटे में भी डिवाइड होता है। ऑल दिस प्रोसेस दैट इज सेल डिविजन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ हैव टू बी टेकन प्लेस इन कोऑर्डिनेटेड वे to ensure that the correct division and formation of the progeny cells containing intact genomes. सारा का सारा प्रोसेस जो होता है बिल्कुल एक करेक्ट वे में होता है, करेक्ट प्रोसेस में होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर दिक्कत आ जाए तो, दिक्कत आ जाए तो उसका प्रोसेस है, मैं आपको पुराने प्रीवियस सेल स्लाइड दिखा देता हूँ। अगर कहीं भी सेल में लगता है कोई दिक्कत है, डीएनए रेप्लिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ, कोई प्रोटीन नहीं बना, तो सेल को कहाँ भेज दिया जाता है, सेल को भेज दिया जाता है, हमारी एक रिजर्व फेज होती है जी नोड फेज, या इसको कहा जाता है स्टेशनरी फेज या क्वेनिसेंट फेज। यहां पे ये जी नोड फेज क्या होती है, यहां सेल को अगर सेल में कोई एरर आ गया, सेल में कोई एरर के डीएनए का रेप्लिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ, ट्रांसक्रिप्शन प्रॉपर नहीं बना, या कोई प्रोटीन जो रिक्वायर्ड है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए नहीं बना, तो सेल को भेज दिया जाता है जी नोड फेज में। अब इसको कहा जाता है स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज। अब ये कहती क्या है, इस सेल को रिपेयर करती है, जैसे गाड़ी का चलते चलते बिगड़ जाता है पहिया, गाड़ी पंचर हो गई तो क्या बनाएंगे, गाड़ी को थोड़ी फेंकेंगे, पहले कोशिश करेंगे कि उसके ट्यूब में जो पंचर है उसको ठीक करा दिया जाए, रिपेयर करा दिया जाए, ठीक है। तो उसमें रिपेयर हो जाए तो अच्छी बात है, अगर रिपेयर ना हो तो सेल क्या होती है, भैया आप ट्यूब में ज़्यादा पंचर आ गए हैं, 4 से 5 पंचर हो गए हैं, ये ट्यूब अब नहीं चलेगा, तो अब क्या होगा, वापस उस ट्यूब के 4-5 पंचर निकलवाने से अच्छा क्या है, हम ट्यूब को ही चेंज करवा लें। तो इस सेल को कह देते हैं, भैया आप इस सेल में आप ज़्यादा तकनीकी खराबी है, अब आपको आगे ले जाने से कोई मतलब नहीं है, अगर आपको आगे लेके चले गए तो फिर भी कहीं ना कहीं फिर से गड़बड़ हो सकती है, तो फिर से आप हमें धोखा दे सकते हो, और भविष्य में हम धोखे से बचने के लिए क्या करते हैं, हम आपको रिपेयर ना करा करके आपको बदलवाना चाहते हैं, तो इसलिए उस ट्यूब को वहीं डीएंड कर देते हैं, जिसको कहा जाता है सेल की डेथ करा देते हैं, सेल की डेथ हो जाती है, और जिस प्रोसेस के थ्रू इस सेल की डेथ हुई है उसको कहा जाता है एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस क्या है, अ फिनोमिनन बाय विच सेल्स डेथ अकर्स, सेल की डेथ जिस फिनोमिनन के थ्रू होती है उस प्रोसेस को एपोप्टोसिस कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना एपोप्टोसिस। एक सेल की डेथ होती है,
एक तो चलो यहाँ सेल रिपेयर नहीं हो रहा था, सेल में एरर आ गया था और इस वजह से हम रिपेयर करने में असफल थे। अब यहाँ एरर बहुत तरह के होते हैं, जैसे हम बात करेंगे म्यूटेशनल एरर, म्यूटेशन आ गया है डीएनए पे, बहुत सारे म्यूटेशन आ गए, म्यूटेशन की वजह से कैंसर हो जाता है, बहुत सारी घातक बीमारियां हो सकती है, ठीक है, जो मैं आपको 12th में जेनेटिक्स में पढ़ाऊंगा। तो 12th में जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे उसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं जब यहाँ 12th के लिए यहाँ बायोलॉजी में हमारा जो जेनेटिक्स पढ़ा रहा हूँ उस समय वो क्लास आप अटेंड कर लेना। जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं, those candidate who interested to know more about the human disease, who attend, they can attend my genetics class online on the same portal. अब यहाँ natural death हो गई, apoptosis हो गया, क्योंकि हमें पता है cell को repair नहीं कर सकते, लेकिन कुछ death होती है, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, चोट लगी, सीढ़ी से कोई पाँव स्लिप हो गया, तो क्या हो गया, चोट लग गई, खून बहा और वहाँ पर घाव हो गया, तो वो भी क्या है, death हुई cells की वहाँ पर, लेकिन बेचारी अभी नई नई सेल थी फिर भी डेथ हो गई ना चाहते हुए भी। तो ऐसी सेल डेथ को क्या कहा जाता है, ऐसी सेल डेथ को कहा जाता है नेक्रोसिस। क्या कहा जाता है, नेक्रोसिस। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल, जिसको हम नहीं चाह रहे। लेकिन यहां जो एपोप्टोसिस है वो किस वजह से, सेल रिपेयर करने में कैपेबल नहीं थी, अब जो एरर्स आ गए वो ठीक नहीं किए जा सकते थे, इसलिए सेल को क्या करा दी हमने, सेल की डेथ करा दी। तो इस फिनोमिनन को क्या कह रहे हैं, एपोप्टोसिस कहा जाता है। तो पहले सेल को दिया जाता है मौका किस चीज के लिए, कि अपने वो रिपेयर कर ले, ठीक हो जाए, ठीक नहीं हो रही है तो फाइनल है। अगर ये रिपेयर हो जाती है, जैसे नॉर्मली क्या होता है, एक्चुअली वो डायग्राम जो हमारे पीछे चला गया इसलिए मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। G1 ये हमारी एस फेज थी और इसी के बीच में जी नोड में बना देता हूँ G0 ये, और यहाँ, और यहाँ बना देता हूँ G2 और ये M। अब सेल यहां से निकली तो पहले कहां जाएगी, जी नोड के पास। तो यहां देखा जाता है कि कोई एरर तो नहीं है, एरर है तो रिपेयर होने के लिए चांस दे दिया जाए, फिर भी अगर रिपेयर नहीं हो रही है तो कहां भेज दिया जाए, एपोप्टोसिस में, ठीक है। अगर रिपेयर हो जाती है, अगर ये ठीक हो गई है तो कहां भेज दिया जाए, फिर एस में भेज दो इसको, जहां डीएनए का रेप्लिकेशन होगा सब कुछ देखा जाएगा, फिर ये आगे चलेगी। तो हर एक चीज की चेक करने के लिए यहां सेल में दो चेक पॉइंट्स होते हैं, क्या होते हैं, चेक पॉइंट्स। वो क्या चेक करते हैं कि सेल जो है प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में चल रही है, नहीं चल रही है, जीवन के बाद डायरेक्ट G2 में तो नहीं चली गई, जीवन से सीधा M में तो नहीं चली गई, तो वो चेक करना, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। और अगर कहीं पर चेक पॉइंट में लगता है दिक्कत है तो कहां जाएगी, जी नोड में जाएगी। ये भी नेट पे क्वेश्चन पूछा गया था, सेल जीवन के बाद कहां जाती है, जी नोड में, ठीक है, या जी नोड फेज कब आती है, जीवन के बाद। ये चीज हमें नेट रिसेंटली नेट 2020 का क्वेश्चन था, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, देखो आप भी अटेंड कर लेते कि जी नोड फेज कहां है, जीवन के बाद, बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो सेल में चेक पॉइंट्स होते हैं कितने, दो, एक होता है G1 और S के बाद, यहां पे G1 और S के बीच में, यहां पे वो ये चेक कर रहा है कि सेल सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है। दूसरा होता है G2 और M के बीच, यहां यहां दूसरा चेक पॉइंट है। तो फर्स्ट चेक पॉइंट, सेकंड चेक पॉइंट, तो उनका काम ही होता है सेल को बराबर देखते रहे, इसकी मॉनिटरिंग करते रहे कि सेल बराबर सिस्टमेटिक वे में चल रहा है या नहीं चल रहा है, सेल सिस्टमेटिक वे में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है, एक के बाद एक फेजेस चल रही है, सर्कुलर मोशन में चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें चेक होती है, तो ये चीज आपको चीज क्लियर कर देनी चाहिए, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या है, एक्सीडेंटल डेथ है सेल का, और एपोप्टोसिस सेल को आत्महत्या कराया जाए, या वो टाइम से 4-5 दिन टाइम हो गया अब सेल नेचुरली मरेगी, तो वो सारा इसी में एपोप्टोसिस में पढ़ते हैं। जो नेचुरल डेथ होगी वो एपोप्टोसिस होगी, क्योंकि अभी यहां रिपेयर नहीं हो रहा तो उसकी नेचुरल डेथ मान ली जाती है।
तो हम यही बात कर रहे थे, तो सारा क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेटेड वे है, और एंश्योर किया जाता है कि करेक्ट डिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम्स, के सारा सारे जीनोम प्रॉपर है या नहीं है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय व्हिच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम्स, सिंथेसाइज द अदर कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द सेल्स एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल इज टर्म्ड एज सेल साइकिल। तो एक सेल से दो सेल बने, जो पूरा का पूरा सिस्टम कैसा चल रहा है, कंट्रोल चल रहा है और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड है। कहीं पे भी लगता है दिक्कत है तो चेक पॉइंट बने हुए दो हमारे पास, एक G1S के पास और एक G2M के बीच में, यहाँ दो चेक पॉइंट्स हैं, वो चेक करते हैं सेल अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, तो यहाँ सारा सारा कोऑर्डिनेटेड है, DNA रेप्लिकेशन प्रॉपर हुआ या नहीं हुआ, ट्यूबुलिन प्रोटीन बने या नहीं बने। ठीक है, ये सारा चीज। तो नेक्स्ट बात करें इसके बाद, although cell growth in terms of cytoplasm increases is a continuous process, DNA synthesis occurs only during the specific stage of cell cycle. तो जैसे मैंने आपको बताया cytoplasm increase होता है, DNA synthesis होता है, एक DNA से दो DNA बनता है, जैसे यहां बात बना के बता देते हैं आपको। एक DNA इससे दो DNA बनते हैं इस तरह से, ये पूरा पूरा सेम है सच। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, DNA रेप्लिकेशन। अब द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स DNA आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब क्या होता है, द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम जो DNA है then distributed to daughter nuclei by complex series of events. अब यहाँ पे complex series होगी और finally क्या होगा, एक cell से दो cell बन जाएगी। यहाँ पे इस तरह से सारे events होने के बाद एक cell से दो cell बन गई और यहाँ पे पूरा का पूरा mechanism कैसा है, under genetic control। कैसा है, सब कुछ कंट्रोल में रहेगा, तो सारे इवेंट्स क्या कहलाएगा, ये पूरा का पूरा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसके बाद बात करें नेक्स्ट, अब सेल साइकिल की जो फेजेस है वो कैसी होती है। ठीक है, हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल, जैसे मैंने आपको ह्यूमन बींग बताया, एग्जांपल बताया, तो ये सारे कैसे, ईस्ट का एग्जांपल दिया, ये कैसी है यूकैरियोटिक सेल्स। A typical eukaryotic cell cycle is illustrated by human cell in culture. This cell divides once in approximately 24 hours. जैसे मैंने आपको example लेके बताया, मैंने 24 hours की on an average किसी को ले ले। जैसे मैंने बताया कि कोई cell होती है, एक cell में divide हो, lung cell का example दिया, muscle cell जो है 20 से 30 घंटों में divide हो सकती है, muscle cells can divide in 20 to 30 hours, whereas lung cell divide around approx 1 year. तो हम दो सेल जो होती है हमारे बॉडी में जो जी नोड में रहती है, कौन कौन सी सेल जो हमारी बॉडी में है वो जी नोड फेज में रहती है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। कौन सी सेल्स है हमारी बॉडी की जो जी नोड या स्टेशनरी फेज या क्विनिसेंट फेज में रहती है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और नहीं आ पाए तो आप मुझसे पूछिएगा। ठीक है, मैं जानबूझ के क्वेश्चन मार्क दे रहा हूं ताकि आप इसको देखें। अब द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो वेरी फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। हम बता चुके हैं, हम हमारी और चूहे या घोड़े की तुलना नहीं कर सकते कि हमारी मसल सेल जो है वो 20 घंटे में डिवाइड कर दी है, तो घोड़े की हो सकता है 20 घंटे में, हो सकता है उसकी 10 घंटे में हो जाए, हो सकता है उसकी 40 आवर्स में हो। तो इट मे वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो वेरी, जैसे हमने बात की ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म तो वेरी करता ही है, और हमारे बॉडी में बात करें जैसे एक ही ह्यूमन बींग में, तो मैंने आपको लंग सेल और मसल सेल का एग्जाम्पल दे चुका हूं, तो सेल टू सेल भी ये वेरी करता है, वो सेल कौन सी है। ईस्ट फॉर एग्जाम्पल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल ओनली अबाउट 90 मिनट्स। ईस्ट की जो सेल है, जैसे मैंने आपको बताई, जो बहुत जगह आप काम में लेते हो घरों में, केक को बेक करने के लिए, खमन बनाने के लिए, हर चीज को बैक करने के लिए, उसको स्वेल करने के लिए, आप उसको ब्रेड बनती है, ईस्ट से बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ईस्ट का बहुत यूजफुल है, और उसका डिवीजन जो होता है वो 90 मिनट्स में हो जाता है, सिर्फ 90 मिनट में उसका डिवीजन हो जाता है। ठीक है,
तो मेरे ख्याल से आज का हमारा काफ़ी समय चला गया है सेल साइकिल में। अभी सेल साइकिल का बहुत सारे पोर्शन बचा है, तो हमने सिर्फ आपको ओवरव्यू सारा दे चुका हूँ, लेकिन अब कंटेंट जो हम धीरे धीरे लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमारे पास इतना ही है तो बहुत सारा मेटेरियल है, लेकिन आप इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद जो भी रहता है हम उसके नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जो क्वेश्चन मैंने पूछा है आपसे तो उसका हो सके तो आंसर दीजिएगा, अगर आपको पता है, और नहीं पता है तो आप मुझसे पूछिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ये क्लास 11 का टॉपिक है बायोलॉजी का, ठीक है। सेल बायोलॉजी जो हम पढ़ रहे थे, सेल साइकिल सॉरी सेल के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया था। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर आता है सेल साइकिल का, उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया तो कर लिखा तो अच्छी बात है, ताकि हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट आपको पहुंच सके। तो इसी के साथ मैं महेंद्र सिंह चौहान आपसे आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद।